What's up guys, I'm back with another video and ये है मेरे SJCam 4000 के बारे में. मैं बताऊंगा आपको कि लेना भी चाहिए या नहीं. और ये है SJCam 4000 wifi. बट कुछ आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं, अगर आप wifi वाला ले रहे हो तो प्लीज़ ध्यान से लेना, क्योंकि SJCam 4000 मोस्टली कनेक्ट नहीं होते हैं. तो इस साइड ये बटन आता है, मैं फोकस करता हूँ. हाँ, ये बटन आता है जिसमें ऊपर वाला ये वाईफाई का और नीचे वाला तो फोटोज़ वगैरह का. ये स्पीकर है, ये आपको 2 इंच की LCD डिस्प्ले मिल जाती है. एंड इस साइड ये मेमोरी कार्ड स्लॉट है, ये वाला. ये ऐसे निकल जाएगा दबा के जैसे पुराने फ़ोन निकलता था. ये चार्जिंग केबल, और ये चीज़ बहुत रेयर है, मतलब नए वालों में है बस, जो नए वाले आ रहे हैं उसमें शायद है. और मतलब पुराने वालों में तो है, बट नए वालों का तो नहीं पता मुझे. एंड दिखने में कुछ इतना सा है, बस छोटा सा. इसमें बस एक बटन है मोड, जो ऑन करता है इसको. कुछ ऐसे दबा के रखो 2 या 3 सेकंड, ऐसे ऑन हो जाएगा. एंड इसमें खुलते ही ये, यहाँ से अगर रिकॉर्डिंग करनी है तो यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हो ओके दबा के. ध्यान देना, जब ये रेड हो जाएगा तो ये रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है. ये ऑप्शन, ये वाला आपको दिख रहा हो तो ये वाला ऑप्शन है बैटरी का. ये माइक का, ये रोटेशन, और ये बताएगा ये ऑप्शन. मे भी क्लियर नहीं होगा क्योंकि मैं कितनी भी कोशिश करूँ, ये DSLR है. या नीचे, ये नीचे डेट आती है, या नीचे कितने घंटे की हो सकती है रिकॉर्डिंग, ये वाला मुझे याद नहीं है अभी. एंड हाँ, जब भी रिकॉर्डिंग हो रही होगी तो ये याद रखना, ये लाइट ब्लिंक करती है हमेशा, ब्लू कलर की हमेशा ब्लिंक करती है. जब चार्ज होता है तो ये नीचे वाली, ये वाली नीचे वाली ब्लिंक करेगी रेड कलर की. जब चार्ज जाएगा तो रेड करना, ब्लिंक करना बंद हो जाता है. और इस आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमें. यहाँ फोटोज़ वगैरह खींच सकते हैं आप. 12 मेगापिक्सल पे मैंने सेट कर रखा है, जो पहले से आता है. एंड ये दबा के फिर से वही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है. वापस हम जाते हैं सेटिंग्स में. सेटिंग्स में आपको देखने को कुछ ऐसा मिल जाएगा, रेजोल्यूशन, रूप रिकॉर्डिंग, FOV, WDR, मोशन रिडक्शन, ऑडियो, वॉल्यूम, टाइम स्टैम्प, TV आउट, TV मोड, OST मोड, वीडियो लैप्स, इमेज साइज जो नॉर्मल रखते हैं हम, क्वालिटी 12 मेगापिक्सल, शार्पनेस नॉर्मल, वाइट बैलेंस RGB, नहीं वाइट बैलेंस ऑटो, और कलर RGB, ISO ऑटो, EV जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है उसको देखने के लिए, अंडर वाटर चलाना है, फोटो लैप, बर्स्ट मोड, डैश कैम अगर गाड़ी में हो, लाइसेंस का कोई ज़रूरत नहीं होती ऐसे, डेट एंड टाइम, ऑटो पावर ऑफ. ये है ऑटो पावर ऑफ, हमेशा याद रखना कि ऑफ ही रखना, क्योंकि कभी कभी फिर अगर मोशन डिटेक्ट नहीं करता और रिकॉर्डिंग हो रही होती तो बीच में ऑफ हो जाएगा. की पैड टोन मैंने ऑन कर रखा है. स्क्रीन सेवर्स मोस्टली लोग ऑफ ही रखते हैं. फ्रिक्वेंसी, कितनी फ्रिक्वेंसी पे चलेगा. रोटेट, ये इसलिए मोस्टली यूज़ होता है रोटेशन, कि अगर कैमरा उल्टा लगा है माइक, बाइक या किसी भी चीज़ में, तो ये खुद ब खुद अपने, मतलब अपने सेंसर से वापस रोटेट कर सकता है इसको. लोगो, वाटरमार्क, वाईफाई, SSD, बट आई डोंट रिकमेंड. मैं बार बार कह रहा हूँ कि SJCam 4000 मत लो, SJCam 7 स्टार ले लो, बेस्ट है. थोड़ा महंगा है बट बेस्ट है. लैंग्वेज, डिलीट सारी फोटोज, डिलीट फॉर्मेट, डिफ़ॉल्ट सेटिंग, यहाँ पे जाके सारी सेटिंग्स फिर से कर सकते हो. जब जो रिकमेंडेड सेटिंग्स आती हैं SJCam की तरफ से, वर्जन कौन सा वर्जन है. आफ्टर ऑल इट्स SJCam 4000 बेस्ट बजट कैमरा. अगर आप किसी स्पोर्ट्स नॉर्मल यूज़ करते हो, लाइक इधर उधर जाने के लिए, छोटे मोटे व्लॉग बनाने के लिए, तो इट्स गुड, बट वैसे नहीं. एंड हाँ गाइस, एक बात और, लेना चाहते तो ले लेना, बट मना नहीं करूँगा. बट इसकी बैटरी ज़्यादा नहीं चलेगी, सो देख लेना. वैसे काफ़ी छोटी सी बैटरी है, देख लो इतनी छोटी सी है, मेरे हाथ में आ जाती है. और बाकी तो ठीक है, बट इसमें यही बात है कि इसमें माइक्रोफोन नहीं लगता. वैसे ठीक था ये,
इट्स ऑल गुड गुड टू गो। मिलेंगे किसी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।